आईएनडी वर्सेस डब्ल्यूआई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 4 T20 मैच जो कि खेले जाने वाला है। और गाइज ये वाला मैच इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया से ज्यादा वेस्ट इंडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट इंडीज ये वाला मैच हार जाता है तो वो ये वाली सीरीज हार जाएगा। अब देखिए गाइज, इंडिया इस वाले मैच में जीतना चाहेगा और चाहेगा कि सीरीज को इसी वाले मैच में जीत लिया जाए। अब गाइज इस वाले मैच में आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से होने वाली है, इंडिया की तरफ से क्या होगी, वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या होगी, क्या ये वाला मैच भी उसी ग्राउंड पर होगा जहां पे लास्ट मैच हुआ था, क्या वेन्यू रिकॉर्ड सेम होगा, क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में कोई चेंज होगा, सारी चीजों का जवाब गाइज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लास्ट मैच में गाइज मेरे दो भाई थे जिन्होंने ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कायले मायर्स को इस वाले मैच में जरूर ले लेना, और सूर्य कुमार यादव को भी बहुत से लोग ड्रॉप कर रहे थे और मैंने बोला था ग्रैंड लीग का पंट प्लेयर है, जरूर ट्राई करना। तो अगर आपने लास्ट मैच का वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपकी भी रैंक अच्छी आई होगी। अब गई इस वाले मैच में मैं आपको 2 से 3 की प्लेयर्स बताऊंगा, अगर आपने उन प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लिया तो आपकी ग्रैंड लीग में इस वाले मैच में भी अच्छी रैंक आ सकती है अगर आपने लास्ट मैच में मिस कर दिया। साथ में गाइज इस वाले मैच में मैं आपको वो फाइनल टीम दिखाऊंगा जिस टीम के साथ गाइज मैं खुद खेलने वाला हूं, कप्तान वाइस कप्तान का सही सिलेक्शन दूंगा, प्लेयर बैटर बताऊंगा, मतलब पूरा वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया ना तो आप इस वाले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में गाइज इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। वो गिव अवे आपको कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है और इसी वीडियो के बीच में इसी मैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्राइज मिल जाएगा। और गाइस अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है छोटे भाई की कि अगर आपको बेहतरीन वीडियो चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी देते हैं, वीडियो सभी बनाते हैं, बट आपको क्वालिटी के साथ अगर बेस्ट कंटेंट चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखा तो आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में गाइज टेलीग्राम का लिंक है शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिस नेम से, बस कुछ नहीं करना है, बस गाइज आपको उस पर क्लिक करना है और आ जाना है, वहां पे आपको हर मैच का बिल्कुल फ्री अपडेट मिलेगा। तो गाइज वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं, बस आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना, हर पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, हर पार्ट पे लॉजिकल अपन एनालिसिस करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको वीडियो वॉच करना है। गाइज देखिए ये वाला जो मैच खेला जाएगा ना, ये मैच खेला जाएगा टर्फ ग्राउंड फ्लोरिडा में। ये वाला ग्राउंड गाइस काफी डिफरेंट ग्राउंड है, यहाँ पर अभी काफी पहले मैचेस हुए थे, मैं आपको अभी वेन्यू रिकॉर्ड बताऊंगा। अभी तक आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी, बट इस वाले पिच पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सैनेरियो काफी बदलेगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो पिच बैट्समैन और बॉलर्स को इक्वल सपोर्ट में मदद करेगा, बट यहां पे थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को स्टार्टिंग ओवर्स में मदद मिलेगी और उसके बाद जैसे जैसे धूप आएगी स्पिनर्स को भी मदद मिलने लग जाएगी। तो काफी ध्यान से गाइस आपको यहां पे टीम बनानी है। अब देखिए गाइस यहां पे मैं आपको T20 स्टैट्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना गाइस। इस वाले ग्राउंड पर गाइस टोटल 9 मैच खेले गए जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने 7 मैच वॉन किए, सेकंड करने वाली ने 2, और एवरेज स्कोर आप देखोगे तो 160 से 161 का। तो यहां पे गई जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि इस वाले पिच पर क्या है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर अच्छा बनता है, सेकंड इनिंग में पिच काफी डिफिकल्ट हो जाती है, वहां पे बॉलर्स को मदद मिलती है। तो आप थोड़ी सी अगर टीम बनाओ तो जो टीम पहले बैटिंग करे उसको ध्यान में रखकर बनाना, क्योंकि थोड़ा सा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। स्कोरिंग पैटर्न की गई यहाँ पे मैं बात करूं, 150 से कम का स्कोर यहाँ पे 3 बार बनाए, 150 से 170 1 बार, 170 से 190 3 बार, 190 से ज्यादा 2 बार। जहां तक मुझे लग रहा है अगर इस वाले मैच में पहले इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी 160 प्लस का स्कोर बनाने वाली है और सेकेंड इनिंग में वो डिफेंड कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं, दोनों टीमों के बीच गई टोटल 22 मैच खेले गए जिसमें इंडिया ने 15 और वेस्ट इंडीज ने 7 ही मैच वॉन किए। इंडिया का पलटा भारी है वो आपको भी पता है, बट वेस्ट इंडीज भी अच्छा फाइट बैक कर रहा है और 2-3 प्लेयर है जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कायले मायर्स, ब्रैंडन किंग, क्या उनको अपन इस वाले मैच में भी रखेंगे, वो भी आपको आगे पता लग जाएगा।
अब देखिए गाइस, इस वाले ग्राउंड पर है ना जो लास्ट 3 मैच खेले गए ना, काफी पहले मैच हुए थे गाइस, काफी टाइम बाद यहाँ पे मैच हो रहे हैं। 2018 में मैच हुआ था 5 अगस्त बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच, जहां पे बांग्लादेश ने 184 बनाए थे और वेस्ट इंडीज 135 ही बना पाया और बांग्लादेश ने वो मैच 49 रन से जीती। अब देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना ज्यादा बढ़ा, ये पहला प्रूफ है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रूफ है 4 अगस्त 2019 को यहाँ पे मैच हुआ इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, इंडिया ने पहले बैट करते हुए 167 बनाए और इंडिया ने वो वाला मैच डकवर्थ लुईस से जीत लिया 69 रन से। तो अब देखिए यहां पर भी फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बना, बड़ा बना। इसके बाद यहां पे मैच हुआ गाइस 3 अगस्त 2019 को वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच, जहां पे वेस्ट इंडीज ने गाइस 95 रन बनाए और आप देख सकते हैं गाइस यहां पे 98 ही बना पाई यहां पे इंडिया सेकंड इनिंग में। तो यहां पे थोड़ा सा सेकंड इनिंग वाली टीम जीती, बट ज्यादातर मैच में यहां पे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ही जीत रही है। और गाइस आपको ये टेलीग्राम को बहुत ही जरूर से ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक है कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगा, अगर इस वाले मैच में कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी प्लेइंग 11 में चेंज होता है, लाइनअप के बाद कोई टीम में चेंज होता है, वो सारा अपडेट मिलेगा। जो मैच मैं यहाँ पे कवर नहीं करता वो सारे मैच आपको टेलीग्राम पे कवर करते हुए मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाना है। वो नहीं कर रहा वर्क तो सर्च कर लेना, पर जरूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए गाइस ये माई लेवल सर्किल एप्लीकेशन है, खेलते आप हजारों एप्लीकेशन पे होंगे, बट इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है, यहां पर अगर आप खेलोगे अपनी विनिंग चांसेस को 8 गुना बढ़ा सकते हो, क्योंकि 6-7 लाख लोगों के बीच में ग्रैंड लीग होती है। वहां पे अगर आप रैंक 1 पे आ गए तो आप घर में 1 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लेके जा सकते हो। साथ में गाइस यहां पर गाइस एक फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है 0 रुपए का। माई इलेवन सर्किल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है, जब आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच ओपन करोगे, एक फ्री कॉन्टेस्ट दिखेगा 0 रुपए का, जब आप उसको खेलोगे और अगर आप वहां पे विन कर गए तो सौरव गांगुली सर की साइन की हुई बॉल आप अपने घर पे ले जा सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक लीजेंड आपको अपनी इस बॉल पे अपनी बॉल पे साइन करके दे रहा है। तो ये मौका आप भी जीत सकते हो, तो इसके लिए आप 0 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, जरूर से आपको डाउनलोड कर लेना है। साथ में आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। फर्स्ट डिपॉजिट कराओगे, कूड यूज करोगे ईएक्सपी 2022, तो 1000 रुपए डिपॉजिट किया तो 1200 मिल जाएंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा। तो जल्दी से जाइए डाउनलोड करिए शानदार एप्लीकेशन को, बट इस एप्लीकेशन पे गाइस थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले, संभल के खेले। और यहाँ पे गाइस आपके लिए आज का पहला कॉन्टेस्ट बिल्कुल फ्री है, वो कैसे फ्री होगा वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो देखना। अब दोनों टीमों की गाइस अपन प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस इस वाले मैच में दोनों टीमों की तरफ से हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं। तो आईएनडी वर्सेस डब्ल्यूआई 4 T20 प्लेइंग 11 अपन देखते हैं। ब्रैंडन किंग और काइले मायर्स गाइस ओपन करने वाले हैं। इसके बाद निकोलस पुरन, रोमन पोवल, शिमरन हेटमैन, डेवन थॉमस, जैसन होल्डर, डी ड्रॉक्स, अकेल हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ओबिड मकायो, ये वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 है जो इस वाले मैच में रह सकती है। एक दो बदलाव हो सकते हैं, एक तो शिमरन हेटमैन रिप्लेस हो सकते हैं, एक डी ड्रॉक्स रिप्लेस हो सकते हैं। अब इनकी जगह कौन आएगा गाइज वो मैं आपको बताऊंगा बेंच में बैठे हुए प्लेयर्स में जाके कि कौन खेल सकता है। इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं, इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग पे आएंगे सूर्य कुमार यादव के साथ, मुझे नहीं लगता आज यहाँ बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चेंज होगा। इसके बाद यहाँ पे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और हर्षदीप सिंह, ये इंडिया की प्लेइंग 11 है जो इस वाले मैच में रह सकती है। चेंज हो सकता है आवेश खान की जगह, हो सकता है या तो रवि बिश्नोई खेल ले इस वाले मैच को, या फिर यहाँ पे गए एक दो बदलाव और हो सकते हैं। जो भी बदलाव होगा अभी आपको आगे पता लग जाएगा। अब देखिए गए ये टोटल 22 प्लेयर है, अब इसमें से कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में, कौन से प्लेयर को ग्रैंड लीग में रखना है, ये चीज का डिस्कशन मैं करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना है। सबसे पहले गाइस अपन विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में गाइस सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे निकोलस पुरन का, जो कि आपको नंबर 3 पोजीशन पे खेलता हुआ दिख जाएगा। और अगर इसके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करो इंडिया के अगेंस्ट, तो आप देखिए 13 मैच खेले 389 रन, 35 का एवरेज, और फ्लोरिडा की ग्राउंड पर गाइस इसने 2 ही मैच खेले, 39 रन बनाए 19 के एवरेज से, और लास्ट 3 T20 मैचों में 22, 14, 18। तो थोड़ी सी फॉर्म खराब है, पर आज के मैच का पंट प्लेयर बन सकता है, काफी टाइम से खामोश चल रहा है, मुझे लग रहा है आज के मैच में निकोलस पुरन अच्छा कर सकता है, तो आपको जरूर से अपनी टीम में
रखना है। डेवन थॉमस की बात करूं, इंडिया के अगेन 2 मैच में 31 रन करें, T20 में 7 मैच में केवल 33 रन, लास्ट 2 T20 में 0 और 31। तो देखिए T20 का रिकॉर्ड डेवन थॉमस का बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक मैच पे चल गया सरप्राइज था, बाकी फॉर्म इसकी अच्छी रहती नहीं है। इसके अलावा इंडिया की तरफ से देखिए ऋषभ पंत नंबर 4 पोजीशन पे खेलता हुआ दिखेगा, हो सकता है ओपनिंग पे भी आ जाए अगर बैटिंग ऑर्डर में चेंज होता है तो। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एवरेज की बात करूं 32 का एवरेज है, 15 मैच में 353 रन और लास्ट 3 T20 में 33, 24, 14। तो अब देखिए यहाँ पे है ना ऋषभ पंत के साथ क्या सीन है कि शुरुआत अच्छी करता है बट कहीं ना कहीं गलत शॉट खेल के आउट हो जाता है। और दिनेश कार्तिक का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एवरेज लगभग 40 का है और लास्ट 4 मैचों में 7, 41, 6, 12। तो देखिए अगर आप SL की टीम बना रहे हो ना, SL मतलब स्मॉल लीग की, तो निकोलस पूरन और ऋषभ पंत के साथ जाना। और अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो GL की, तो वहां पे आप दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन को ट्राई कर सकते हो, पर निकोलस पूरन को कॉमन प्लेयर रख रहा हूं, दोनों केस में आपको रखना ही है। पर ऋषभ को कहां रखना है, दिनेश कार्तिक को कहां रखना है, मैंने आपको बता दिया है। बैटिंग सेक्शन की बात करूं अगर मैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो वेस्ट इंडीज के देखिए टोटल 4 बैट्समैन है, इसमें पहला नाम है काइले मायर जो कि ओपनिंग पे आएगा। लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी 73 रन की, बहुत से भाइयों को ग्रैंड लीग विन कराई। इंडिया के अगेंस्ट एवरेज देखे तो 24 का है, T20 में 25 का है। शिमरन हेटमैन नंबर 5 पे खेलेगा, इस वेन्यू पर केवल 2 मैच में गए 6 रन बनाए और कहीं ना कहीं फॉर्म के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए लास्ट 3 मैचों में केवल 20, 6, 14, तो मैं आपको कम सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा यहां पे ब्रैंडन किंग की बात करूं जो कि ओपन करेगा, लास्ट 2 मैचों में 20 और 68। लास्ट मैच में थोड़ी सी स्लो बैटिंग करी थी, बाकी इंडिया के अगेंस्ट एवरेज अच्छा है 25 का। और रोमन पोवल की मैं बात करूं तो इस वेन्यू पर देखिए रोमन पोवल का बल्ला काफी अच्छा चलता है, आप देखिए 4 मैच में 124 रन बनाए 31 के एवरेज से। तो यहां पे गाइस रोमन पोवल को मेरे हिसाब से आपको अपनी टीम में रखना चाहिए, मैं स्टार मार कर रहा हूं क्योंकि इस ग्राउंड के बेस पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरा प्लेयर गाइस काइले मायर्स या ब्रैंडन, दोनों के साथ आप जा सकते हो या दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ब्रैंडन को भी रख सकते हो क्योंकि काइले मायर्स ने लास्ट मैच में रन बनाए तो हो सकता है आज ना चले या अजम्पशन ले सकते हैं, बट पोवल को आपको जरूर से अपनी टीम में रखना है। इंडिया की तरफ से देखिए इस वाले मैच में कौन सा प्लेयर चल सकता है, सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का जो कि ओपन करेगा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एवरेज 37 का है और इस वाले वेन्यू पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 मैच खेले 163 रन बनाए 54 के एवरेज से, 50+ का एवरेज है रोहित शर्मा का इस वाले ग्राउंड पर। तो लास्ट 2 मैच से खामोश है 11 और 0, बट इस वाले मैच में आपको सरप्राइज कर सकता है, तो रोहित शर्मा को आपको जरूर टीम में रखना है। अब कप्तान और वाइस कप्तान बनाना है कि नहीं बनाना वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सूर्य कुमार यादव ओपनिंग पे आएगा और लास्ट 3 मैच में 76, 11, 24, हेड टू हेड में 44 का एवरेज, T20 में 37 का एवरेज। तो ये दोनों ओपनर्स को तो अपनी टीम में आपको जरूर से रख लेना है, आज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है और खास तौर से इंडिया अगर पहले बैट करे जब तो आपको जरूर रखना है। श्रेयस अय्यर की बात करें नंबर 3 पे खेलेगा, लास्ट 3 मैचों से फॉर्म थोड़ी खराब चल रही है, हो सकता है इसकी जगह आज आपको ईशान किशन भी खेलते हुए दिखे या फिर ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज तो खेलेगा नहीं, ईशान को जरूर मौका मिल सकता है अगर टीम एक दो बदलाव करेगा, अगर खुद चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके रखना। ऑलराउंडर में देखिए वेस्ट इंडीज का एक ही ऑलराउंडर है और इसको तो आपको रखना ही रखना चाहिए, वो है जैसन होल्डर जो कि टीम का फास्ट बॉलर है और आप T20 में देखिए 42 विकेट ले जा चुका, लास्ट 3 मैचों में 1-1 विकेट तो मिला ही और 1 में 2, तो लगभग 4 विकेट ले जा चुका 3 मैचों में, ठीक है, और हेड टू हेड में 8 मैच 6 विकेट। तो जैसन होल्डर को तो ड्रॉप करने का सवाल बनता ही नहीं है, चाहे स्मॉल लीग के टीम बनाओ या ग्रैंड लीग के, अपनी टीम में आपको जरूर से रख लेना है। और जहां पे इंडिया की तरफ से देखिए 2 ऑलराउंडर है, एक तो हार्दिक पांड्या और एक दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा देखिए टीम का स्पिनर है, मुझे लगता है अगर ये T20 में देखिए वैसे तो 68 का एवरेज है बट अगर ये नंबर 3 पोजीशन पे खेलता है ना बैटिंग में, तो दीपक हुड्डा मेरे हिसाब से आप अपनी टीम में रखना। अगर इसका बैटिंग पोजीशन आज भी नीचे रहता है 5 या 6 पे तो रखने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि उस कंडीशन पे ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस देता नहीं है। तो जब लाइनअप आएगी ना, जब आप मेरे टेलीग्राम पे होंगे, आपने ज्वाइन कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक से, तब आपको और भी अपडेट मिल जाएगा। बाकी ये ऊपर बैटिंग करने आए तभी रखना है और हार्दिक पांड्या को तो रख ही देना गाइस, ये प्लेयर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से विकेट निकाल के जरूर देगा और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हार्दिक पांड्या और जैसन होल्डर ये 2 ऑलराउंडर ऐसे हैं जिनको आपको अपनी टीम में आज के मैच में रखना ही रखना है, इनको ड्रॉप आपको बिल्कुल भी नहीं करना।
वेस्ट इंडीज के गेंद में अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो वेस्ट इंडीज के देखिए दो बॉलर है, एक तो ओबिट मकायो और एक अल्जारी जोसेफ जो काफी अच्छा करते हैं। ओबिट मकायो को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, बट उससे पहले वाले दोनों मैचों में लगभग 7 विकेट ले जा चुका, 3 मैच में 7 विकेट का रिकॉर्ड है। अकेल हुसैन को हर मैच में 1-1 विकेट मिला है, जो कि टीम का स्पिनर है। अल्जारी जोसेफ की मैं बात करूं तो काफी अच्छी बॉलिंग कराई है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, बाकी 3 विकेट ले जा चुका। और डी ड्राक्स को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला। तो यहां पे दो बॉलर को आप जरूर रख सकते हो, ओबिट मकायो और अल्जारी जोसेफ, मेरे हिसाब से दोनों आपके लिए बेस्ट रहेंगे इस वाले मैच में भी। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर थोड़ा मौसम साफ रहता है, धूप खिलती है, ठीक है, तो उस केस में स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो उस केस में आप अकेल हुसैन या डी ड्राक्स को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, कि जो भाई जीएल की टीम बना रहा है वहां पे यूटिलाइज कर सकता है, अगर थोड़ा सा मौसम साफ रहता है, धूप खिलती है, ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम पे काफी डिपेंड करता है गाइस। इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं बॉलिंग सेक्शन में, तो देखिए एक तो भुवनेश्वर कुमार है जो कि फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे। अश्विन जो कि टीम का स्पिनर है, लास्ट मैच में विकेट मिला नहीं, बट उससे पहले 3 विकेट ले जा चुका। अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर, एक्सलेंट बॉलिंग कर रहा भाई है, लास्ट 4 मैचों में अब तक 6 विकेट ले जा चुका है अर्शदीप सिंह को। तो गाइस मैं अपने टीम में डेफिनेटली रखूंगा, क्योंकि ये प्लेयर में कुछ बात है, स्पेशल बॉलर है। और आवेश खान देखिए मेरे हिसाब से कुछ खास कर नहीं रहा, फॉर्म अच्छी नहीं है, हो सकता है आज के मैच में ड्रॉप भी कर दिया जाए, और अगर खेलता है तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो के साथ जाना, एक तो अर्शदीप सिंह को तो कॉमन रख लेना, इसको तो रखना ही रखना है। अब इसके साथ या तो आप भुवनेश्वर सार चल जाओ या फिर अश्विन के साथ, ठीक है। और अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैट करता है फिर सेकंड इनिंग में बॉलिंग में आएगा, तो उस केस में इंडिया के आप 3 बॉलर के साथ भी जा सकते हो, अर्शदीप, भुवनेश्वर और अश्विन, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, कैसे आपको टीम बनानी है आज के मैच में, बहुत ध्यान से। प्लेयर बैटल देख लेते हैं गाइस एक बार इस वाले मैच की, कि क्या प्लेयर बैटल इस वाले मैच में रह सकती है, कि कौन सा प्लेयर है जिसको अपन अपनी ग्रैंड लीग की टीम में से आज ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को देखो ज्यादा परेशान किया नहीं है वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने, 1-1 बार आउट किया है, तो वो ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है। निकोलस पुरन को अश्विन बहुत परेशान कर रहा है, 6 बॉलों के अंदर 2 बार कर चुका है। भुवनेश्वर को भी 2 बार आउट, कुमार भी 2 बार आउट कर चुका है निकोलस पुरन को, तो कहीं ना कहीं निकोलस पुरन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की कोई एक टीम से ड्रॉप कर सकते हो, और जिससे ड्रॉप करो वहां पे अश्विन और भुवनेश्वर को अपनी टीम में डेफिनेटली रखना, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा रवि बिश्नोई अगर खेलते हैं तो रोमन पोवल को मत रखना अपनी टीम में, 2 बार आउट कर चुका 16 बॉलों के अंदर और बाकी 1-1 बार है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस, अगर बिश्नोई खेले तो फिर रोमन पोवल को अपनी टीम से ड्रॉप कर देना। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमरन हेटमायर को रविंद्र जडेजा खेलेंगे तो कोई खतरा नहीं है, बाकी 1-1 बार आउट है तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पे कीमो पॉल ने ऋषभ पंत को 2 बार आउट किया, जैसन होल्डर ने हार्दिक पांड्या को गए थोड़ा सा 2 बार आउट किया है, तो थोड़ा सा हार्दिक पांड्या स्ट्रगल कर सकता है होल्डर के अगेंस्ट। अब देखिए वेस्ट इंडीज की तरफ से आज के मैच में कौन खेल सकता है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, इन प्लेयर्स पे नजर रखना गाइस, कोई नहीं बताएगा, सब प्लेइंग 11 बता के चल जाते हैं, बट जो बाकी के बेंच पे बैठे हुए प्लेयर है ना, वो एक-एक लाइनअप में आएंगे, फिर आपका दिमाग कंफ्यूज होगा और फिर आप इनको रखोगे नहीं और आपका लॉस हो जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए रोमारियो शेल्पर्ट अगर फिट हो जाएंगे तो खेल सकते हैं, अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली रख लेना। शमरन ब्रुक्स का एवरेज अच्छा नहीं है T20 में, तो ये मेरे को लगता नहीं है खेलेगा। कीमो पॉल और ओडियन स्मिथ में से एक ऑप्शन है, ओडियन ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है तो खेलेगा नहीं, कीमो पॉल अगर खेलता है तो डेफिनेटली रख लेना, फास्ट बॉलर है, लास्ट T20 में 19 रन + 1 विकेट लिया था, तो ये प्लेयर काफी अच्छा है। अगर कीमो पॉल या शेल्पर्ट में से अगर आपको कोई लाइनअप में दिखे तो आपको डेफिनेटली रख लेना है, अदरवाइज नहीं। इंडिया की तरफ से देखिए ईशान किशन को मौका मिल सकता है, T20 में 31 का एवरेज है। इसके अलावा यहाँ पे हर्षल पटेल और बिश्नोई में से कोई एक खेल सकता है। मैं काफी सरप्राइज हूँ कि आवेश खान को खिलाया जा रहा है, हर्षल पटेल को बाहर बैठा के, समझ से बाहर है, हर्षल पटेल बहुत अच्छा बॉलर है और खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, और बिश्नोई भी। इस वाले मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स कौन कराएगा और डेथ ओवर्स में कौन कराएगा, मतलब 15 से 20 ओवर के गैप में, तो वो चीज आप समझ लेना। वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपन बॉलर मतलब पावर प्ले में कराएंगे ओबिट मकायो, अल्जारी जोसेफ स्टार्टिंग ओवर कराते हुए दिख जाएंगे, और लास्ट ओवर्स में 15 से 20 ओवर में डी ड्राक्स, होल्डर और ओबिट मकायो। तो यहाँ पे 3 बॉलर के साथ जरूर जाना, मकायो, जोसेफ और जैसन होल्डर, ठीक है। इंडिया की तरफ से हर्षदीप सिंह, आवेश खान,
इसमें से हर्षदीप सिंह को रख लेना आप डेथ ओवर्स के लिए, और ओपनिंग पे दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान। तो भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट निकाल के देता है ज्यादातर, अगर वहां पे विकेट नहीं मिला तो फिर कोई बेनिफिट। ठीक है, अब आज के मैच की गई मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा, उसके बाद कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन बताऊंगा, साथ में फ्री गिव अवे का क्वेश्चन अब आ गया है। तो अब बहुत से भाई वेट कर रहे थे, गाइज आपको क्या लगता है इस वाले मैच में, आपको क्या लगता है इस वाले मैच में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट, मतलब सबसे ज्यादा रन कौन सा बैट्समैन बनाएगा और सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, इन दोनों का आंसर कंबाइंड करके देना है। अगर एक आंसर सही है एक नहीं है तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा, दोनों आंसर आपके सही होने चाहिए। सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा और सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, कैसे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके देना है। उससे पहले तीन कंडीशन पूरी कर देना, एक तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तीन काम आपको जरूर से कर देना है, बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस। ठीक है, अब आपको फाइनल टीम दिखाता हूं। देखिए गाइस ये पहली टीम है जो कि आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए टीम बता रहा हूं ये वाली। विकेट कीपर में निकोलस पुरन और ऋषभ पंत को मैंने रखा है, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। निकोलस पुरन थोड़ा सा रिस्की चॉइस है बट मैं फिर भी रख रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दोनों ओपनर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। यहाँ पे ब्रैंडन किंग और काइल मायर्स, ये दोनों को इसलिए रखा हूं क्योंकि दोनों गाइज अटैकिंग बैटिंग करते हैं, कोई भी चल सकता है, इन दोनों में से किसी का भरोसा नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैट करे जब तो दोनों को आपको रखना ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे जैसन होल्डर, हार्दिक पांड्या, दो ऑलराउंडर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है बढ़िया। और यहाँ पे तीन बॉलर रखे, भुवनेश्वर कुमार, ओबिड मकायो और अर्शदीप सिंह। भुवनेश्वर कुमार की जगह आप अश्विन को ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर लाइनअप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर कोई प्लेयर आता है, हर्षल पटेल आता है, बिश्नोई आता है, तो उसको रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये रखेंगे। तो ये पहली टीम है जो कि आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में यूटिलाइज कर सकते हैं आज के मैच में। टेलीग्राम आपने जरूर से ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब ये वाली टीम गाइज आप ग्रैंड लीग में यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आप मेगा खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, या फिर कोई ऐसा कॉन्टेस्ट खेल रहे हो जो थोड़ा रिस्की है, वहां पे ये टीम यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें निकोलस पुरन, ऋषभ पंत में कोई चेंज नहीं है, हार्दिक पांड्या, जैसन होल्डर में कोई चेंज नहीं है, ब्रैंडन किंग में कोई चेंज नहीं है, सूर्य कुमार यादव में कोई चेंज नहीं है, मतलब एक दो तीन चार पांच छह प्लेयर तो बिल्कुल सेम रखे। चेंज खाए एक तो श्रेयस अय्यर को मैंने अपनी टीम में लेकर आया, अच्छा कर सकता है, सरप्राइज कर सकता है। एक अश्विन को रखा है, अकेल हुसैन, अलजारी जोसेफ और अर्शदीप सिंह। तो यहां पे बॉलिंग सेक्शन में चेंज है, अश्विन, अकेल हुसैन और अलजारी जोसेफ। अगर थोड़ा मौसम खिलता है, धूप खिलती है, तो वहां पे स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, इसलिए अश्विन और अकेल हुसैन को रखा है। तो ये वाली टीम आप ग्रैंड लीग में यूटिलाइज कर सकते। गाइज ये माई इलेवन सर्किल ऐप है, इसको अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक है, फर्स्ट लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करते ही 1500 रुपए का तो आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा जो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी है। साथ में गाइज यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट कराते हो ना और कोड यूज करते हो EXP2022, तो जितना आप डिपॉजिट करोगे ना उसका 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1000 किया तो 1200 मिल जाएंगे, मतलब 200 रुपए बिल्कुल फ्री। तो गाइज बिल्कुल फ्री का ऑफर है, आपको जरूर से यूटिलाइज कर लेना है। और साथ में गाइज अगर फर्स्ट मैंने आपको बुलाया था, एक कॉन्टेस्ट बिल्कुल फ्री है जो आपको फ्री एंट्री में मिल रहा है, तो जरूर से आपको डाउनलोड कर लेना। बट इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले, संभल के खेले, बट बढ़िया एप्लीकेशन है, एंट्री फीस वगैरह कम है, जरूर से खेलना स्टार्ट कर दे। कप्तान वाइस कप्तान के लिए देखिए आज के मैच के लिए भी मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या और जैसन होल्डर दो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि दोनों बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, बहुत अच्छे बॉलर है और बहुत अच्छे बैट्समैन भी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो गाइस फुल इन्फॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था, आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ खेलो वहां खेलो, मैं कहीं से भी आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपकी इच्छा हो तो खेलो, आपकी इच्छा हो तो मत खेलो, वो आपका डिसीजन है। पर थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड रहता है, तो थोड़ा संभल के रिस्क, ज्यादा रिस्क लेके मत खेले, ढंग से खेले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जाते जाते लाइक कर जाना, और अगर मेरी फैमिली का हमेशा के लिए हिस्सा बनना है, हमेशा के लिए आपको वीडियो मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करके रखना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहना। ठीक है भाइयों, तो IND वर्सेस WI सेकंड T20 मैच, 4 T20 मैच प्रीव्यू यहीं पर ही खत्म होता है।